वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का फिर से स्वागत करती हूँ एक नया वीडियो में। क्या कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एलजी फोन्स के बारे में बात करने वाले। मैं जो भी वीडियो लेकर आती हूँ वो फोन्स के बारे में होता है या फिर लैपटॉप के बारे में होता है, तो टैबलेट के बारे में टेक रिलेटेड बात में बात करती हूँ। तो क्या कि इस वीडियो में बात करने वाले कि एलजी फोन्स के बारे में बात करने वाले। एलजी फोन्स जो कि आपको मिलने वाले जो कि 15,000 के अंडर में देखने को मिलने वाली। तो बेस्ट एलजी फोन्स जो कि आपको 15,000 के अंडर में देखने को मिलने वाली। ये एक बजट है जो कि मिड रेंज वाला बजट है। तो मिड वाला बजट है, इसमें क्या है कि क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलने वाले। मैं क्या है कि टॉप 5 में लेकर आए जो कि आपके एलजी फोन्स के देखने को मिलने वाले। एलजी के बारे में तो पता होगा, बहुत स्मार्टफोन वगैरह बहुत काफी भी अच्छा देखने को मिलने वाले। तो आज हम बात करने वाले कि 15,000 के अंदर में एलजी की तरफ से आपको कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले है। तो यार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाली है। हमारा जो पहला नंबर है फोन है, जो पहला फोन है वो एलजी W441 Pro वाला है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्या है कि 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वगैरह देखने को मिलने वाली है। ये क्या है कि 6.55 इंच में आपको HD डिस्प्ले के साथ फुल HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाली है। इसमें क्या है कि आपको प्रोसेसर में MediaTek का प्रोसेसर MediaTek Helio G35 प्रोसेसर में देखने को मिलने वाली है। आपको कैमरा सेटअप काफी जबरदस्त में देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल क्वाड कोर कैमरा सेटअप के साथ आपको 8 मेगापिक्सल में सेल्फी में देखने को मिलने वाली है। इसमें क्या है कि 5000mAh बैटरी के साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाले है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छा है, तो देखने को मिलने वाली है। हमारे दूसरे नंबर पे वो LG Q6 Plus वाला है। इसमें क्या है ना कि फीचर्स वगैरह क्या देखने को मिलने वाले हैं। 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज। आप सोच रहे कि मतलब स्टोरेज कम रहे, नहीं, आप एक्सपेंडेबल भी है, 2TB तक आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। इसमें क्या है ना कि आपको 5.5 इंच में आपको IPS डिस्प्ले के साथ फुल HD के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्या है ना कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर को ऑक्टाकोर प्रोसेसर में देखने को मिलने वाले। 13 मेगापिक्सल आपको रियल कैमरा में कैमरा के साथ 5 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ देखने को मिलने वाली है। आपको 3000mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। हमारे जो तीसरे नंबर पर वो है LG Q6 में आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्या है कि 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 5.5 इंच IPS डिस्प्ले के साथ विद फुल HD के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्या है 5 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ देखने को मिलने वाले। 13 मेगापिक्सल आपको रियल कैमरा के देखने को मिलने वाले। वो 3000mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो हमारा जो फोर्थ नंबर पर है वो LG W41 वाला है। LG W41 में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6.55 इंच में आपको HD पंचुअल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाली है। तो इसमें क्या है 44 मेगापिक्सल पर रियल कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल सेल्फी में देखने को मिलने वाली है। प्रोसेसर में आपको MediaTek Helio G35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाली है। ये गेमिंग प्रोसेसर है, चाहो तो गेमिंग खेलने के लिए आपके लिए बहुत स्मूथली बहुत काफी अच्छा रहने वाली है। ये प्रोसेसर आपको गेमिंग प्रोसेसर में काफी अच्छा मदद करने वाले हैं, गेमिंग के लिए आपके लिए काफी अच्छा है। आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा सेल्फी के साथ 5000mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। हमारा जो लास्ट नंबर पे वो LG W30 Pro वाला है। LG W30 Pro में आपको क्या देखने को मिलने वाली है। आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज और 13 मेगापिक्सल में आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी में देखने को मिले। इसमें सेल्फी काफी जबरदस्त वाला है देखने को मिलने वाली है। आपको 6.21 इंच में आपको डिस्प्ले के साथ 4050mAh बैटरी के साथ देखने को मिलने वाली है। आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाली है। ये 15,000 के अंडर में 5 के 5 देखने को मिलने वाली है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसमें फीचर्स वगैरह सही है या नहीं। आपको तो पता होगा एलजी के बारे में, एलजी काफी अच्छा भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट काफी अच्छा है। तो इसके हिसाब से उनका फोन भी काफी अच्छा देखने को मिलने वाली है। ये आपको 15,000 के अंडर में देखने को मिली है। आप क्या करोगे ना, रिव्यू वगैरह भी चेक कर सकते हो। ये 5 के 5 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे वही भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसमें रिव्यू वगैरह देख सकते हो, किन किन लोगों ने लिया है उनका भी क्या कहना, ये फोन सही है या फिर नहीं। मैंने तो देखकर लेकर आई हूँ, मैंने भी रिव्यू वगैरह देखा, क्या कहना लोगों का मैंने वो भी देखा है, ऑनलाइन स्टोर वगैरह में बात करी। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर, आप चाहे वही
मंथ वहीं से जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये पांचों के पांचों फोन आपको 15,000 के अंडर में अभी देखने को मिलने वाली है। आप चाहो तो खरीदने के लिए अगर सोच रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो प्लीज आप इसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपको इस तरह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कीजिए क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज टेक रिलेटेड अपडेट भी देती रहती हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।